गुड मॉर्निंग सबको, SSNB ब्लॉग्स में आप लोगों का सबका स्वागत है। मेरा नाम शौविक है। आज एक्चुअली मैं जा रहा हूँ बहुत दिन के बाद राइड पे, तो बहुत सारा जगह पे प्लान आउट हुआ है। सो कहाँ कहाँ पे जा रहा हूँ मैं जाते जाते आप लोगों को बोलूँगा। पहले तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट करूँगा, मैगी लेके आया हूँ, खाना खाऊँगा, उसके बाद जाऊँगा पेट्रोल रिफिल करूँगा, उसके बाद भाई आएगा, भाई के साथ मीट करूँगा, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो ये एक राजबाड़ी बोल के जगह है जहाँ पर बहुत सारे फिल्म्स का शूटिंग हुए थे, तो हम लोग अभी वहीं पर जा रहे हैं। तो चलिए जाते हैं, पेट्रोल भराते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। चलिए, थैंक यू। मैं तैयार हो चुका हूँ, अभी खाना खाने के बाद मैं निकला हूँ। गाड़ी का थोड़ा वार्म अप कर लूँ। मेरे पास है ये फ्रीजा AC 160, इसी साल मैंने ख़रीदा था, तो थोड़ा कुछ मॉडिफिकेशंस तो है गाड़ी, जैसे फैट रेल को का टायर्स लगा हुआ है, फ्लैशेस लगा हुआ है, फिर 1 GG बल्ब लगा हुआ है। तभी चलिए, गाड़ी का हालत देखिए, पूरा गंदा हो चुका है, पूरा का पूरा गंदा है, ख़तरनाक गंदा है। अभी थोड़ा वार्म अप करने के लिए दे रहा हूँ, तो इस बात बहुत दूर भागना पड़ेगा, बहुत दूर जाना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं, पेट्रोल फिल करते हैं, फिर मिलते हैं। चलिए, तो मैंने तो पेट्रोल रिफिल किया, अभी मेरे को मोबाइल से सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं दिखाता हूँ क्या हुआ है। देखिए यहाँ पर जो कैमरा देखिए, पूरा दाग आ गया है, पूरा का पूरा एक जगह पे पूरा दाग आ गया है। ये देखिए, यहाँ पर हेलमेट में, यहाँ पर। तो राइडिंग के समय अगर निकलते हैं आप लोग या कोई भी, अगर कुछ हो जाता है ना, दिमाग पूरा ख़राब हो जाता है, मतलब पूरा राइडिंग दिन ही ख़राब हो जाता है। तो देखते हैं, अभी मोबाइल से काम चलाना पड़ेगा, फिर एक नया कैमरा का ऑर्डर देना पड़ेगा। इसको रिपेयर होगा या नहीं होगा इसका पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। चलिए मोबाइल से कंटिन्यू करते हैं सब कुछ, थैंक यू। अभी फिलहाल हम लोग एक ब्रेक लिए हैं, तो हम लोग स्टार्ट किए थे बेलगुड़ी एक्सप्रेस वे से, और अभी हम लोग यहाँ पर ब्रेक लिए हैं बहुत देर के बाद। तो ये है मेरा गाड़ी और ये है मेरा भाई का गाड़ी, जो नया गाड़ी लिया है, एरोक्स गाड़ी। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्रीमियम है, इसका जो कंफर्ट है बहुत अच्छा है इसका कंफर्ट। तो अभी थोड़ा ब्रेक लिए है 2 घंटे के बाद, अभी जाएंगे, जाने के बाद फिर देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लिया है, थोड़ा देखते क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए आप लोगों से मिलते हैं बाद में। गाइज, आज का जो लोकेशन है हम लोग का झारग्राम की तरफ है, तो लोकेशन जो है वो बहुत ही मस्त लोकेशन है, और सिर्फ 4 किलोमीटर बाकी है। यहाँ पर पूरा घना जंगल है, पूरा जंगल है, साइड में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखिए झारग्राम जो है वो 4 किलोमीटर दिखा रहा है। यहाँ का लोकेशन देखिए, यहाँ का व्यू देखिए, मस्त, सच्ची में मस्त लोकेशन है, मस्त जगह है, गाड़ी भी सही है अभी तक तो चल रहा है। अभी लोकेशन में जाते हैं, देखते हैं वहाँ पर जाके क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके बाद आप लोगों से फिर मिलते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी लोकेशन की तरफ पहुँच भी गए हैं, तो थोड़ा थोड़ा टाइम, चलो मिलते हैं वहाँ पर जाके, बाय। तो गाइज़, हम लोग ऑलरेडी पहुँच चुके हैं हमारे लोकेशन पर, ये जो झारग्राम का राजबाड़ी है यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अलाउ नहीं है एंट्रेंस का। तो यहाँ का नज़ारा देखिए, ये पूरा गेट है, ये पूरा साइड जो व्यूज़ है सिर्फ है, और यहाँ पर एक पुराना घर मकान के टाइप कुछ है पुराना, अभी तक आदमी लोग यहाँ पर रहता है। यहाँ पर कुछ काम वगैरह चलता है, तो मैं राजबाड़ी दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए राजबाई का जो प्रॉपर्टी है, बहुत ही सुंदर जगह पे है, बहुत ही सुंदर जगह पे, मस्त। सो देखिए, ये राजबाड़ी का गेट है, मस्त गेट है, और यहाँ पर तो पूरा अलाउ नहीं है, तो बाहर से ही रहते हैं। जो नज़ारा देखिए, तो
ये है पूरा नज़ारा राजबाड़ी का। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर। तो ये है नज़ारा, ये राजबाड़ी था। सो यहाँ पर तो घुसने का मतलब परमिशन नहीं है। अच्छा कांड पे कांड क्या हो रहा है मैं दिखाता हूँ। सुबह निकलने वाला था तब गिर गया यहाँ पर, देखिए लेंस में ऐसा स्क्रैचेस आ गया, वीडियो नहीं हो रहा है। हेलमेट का जो है सब गया, भाई का फ़ोन देखिए पूरा फ़ोन गया, गिर गया, गिर के पूरा एकदम फ़ोन गया, देखिए कांड पे कांड हो गया, पूरा कांड हो गया। यहाँ पर खाने के लिए आए हैं, थोड़ा खाते हैं खाने के बाद। ये पूरा पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के बगल में ही है। यहाँ से दाएं तरफ जो रास्ता जो स्कॉर्पियो घुस रहे हैं देख रहे हैं ना, वहाँ से राजबाड़ी की तरफ घुस रहे हैं। तो चलिए जाते हैं अंदर, खाना खाते हैं, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। निकल के एकदम सामने पेट्रोल पंप के सामने यहाँ पर खाने का एक जगह है, बहुत अच्छा जगह है। तो ये फैमिली बार कम रेस्टोरेंट है, उधर बार है का रेस्टोरेंट है। तो मैंने रेस्टोरेंट में बैठा है, तो रेस्टोरेंट में बैठा है यहाँ पर खाने के लिए मैंने कुछ चिकन चाउमीन वगैरह ऑर्डर किया है। तो चलिए खा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, इसके बाद यहाँ से निकलते हैं फिर जाते हैं। चलिए खाना आने तक वेट करते हैं थोड़ा। थैंक यू। अभी यहाँ पर भैया खाना दे के गया है, तो मैं यहाँ पर नूडल्स ऑर्डर किया हूँ, अभी ये खाते हैं, फिर खाने के बाद निकलते हैं, फिर देखते हैं कितना दूर जा पाए, क्योंकि यहाँ से और भी जगह पे जाना है। सो ये बोलता क्वांटिटी बहुत सही है, तो चलो खाना खा लेते हैं उसके बाद निकलते हैं भैया। और सॉस वॉस वगैरह कुछ भी बहुत कुछ दे रहे हैं, भैया बहुत अच्छा है, सर्विंग बहुत अच्छा करता है। चलिए खाना खा लेते हैं फिर पहले।